हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो शायद ही आपने यूट्यूब पर देखी होगी, तो बिना स्किप किए ये वीडियो देखना, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो इस रेसिपी का नाम है गुलियर, यानी जो मुंह में आसानी से खुल जाए। यह चावल से बनता है, यह बहुत ही स्वीट और मस्त रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल का गुलियर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए हैं और इन चावलों को 5 मिनट भिगोकर हम अच्छे से धो लेंगे। साफ़ धो लेने के बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसे धूप में 2 दिन तक सुखाएंगे। इसके लिए धूप तेज होनी चाहिए ताकि चावल में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। अब देखिए, इन्हें मुझे सुखाए 2 दिन हो गए हैं। अब इन्हें मैदे की तरफ बिल्कुल बारीक पीसना है। तो आपके घर में आटा पीसने की चक्की हो या घर के आसपास चक्की हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे मिक्सी में 3 से 4 बार पीसें और छानें। याद रहे, मैदे की फॉर्म में ही इसे पीसना है। मैंने अब इसे घर की चक्की में पीस लिया है। अब हम इसे एक बारीक चुन्नी में छान लेंगे और यह जो अब थोड़ा मिश्रण निकला है, अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी और इसे भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे शुगर, जो मैंने लिए 1.5 से 2 कप। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना लें। और इसमें डालेंगे अब 4 इलायची और इसे मिक्सी में बिल्कुल मैदे जैसी बारीक फॉर्म में पीस लेंगे। और अब पिसी हुई चीनी को गुलियर में मिक्स करेंगे। और अब 1 चम्मच में या पैन में 2 चम्मच देसी घी लेंगे और इसे बहुत अच्छा गर्म करेंगे। और अब ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और यह तड़का गुलियर में डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे, यह भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ही डालें और दूसरा कोई ड्राई फ्रूट नहीं डलता। तो तैयार है हमारी चावल से बनी स्वीट से मुंह में घुल जाने वाली गुलियर। यह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत पसंद आती है। पहले के पुराने समय में नाग पंचमी की पूजा में लोग इसे प्रसाद के रूप में जरूर बनाते थे। यह बहुत ही मस्त रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।